हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। एंड काफ़ी दिनों से व्लॉग शेयर नहीं किया था, तो सोचा आज आप लोगों के साथ एक व्लॉग साझा किया जाए। और यहाँ पे मैं शाम के डिनर की तैयारी कर रही हूँ, और अभी तो मैं गांव से आई हूँ, वो आप लोगों को नहीं पता, बिकॉज़ जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता ही चल गया होगा, बट बिकॉज़ रील्स के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू, बट यूट्यूब पे तो मैंने ऐसा एज सच कोई वीडियो नहीं डाली थी। बट अभी मैं कुछ दिनों के लिए गांव गई थी, हमारे ख़ानदान में एक शादी थी वही अटेंड करने के लिए, और जब से वहाँ पे मैंने पनीर की सब्ज़ी खाई ना, तब से मेरे सर पे वही चढ़ी हुई है, यूपी स्टाइल पनीर। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बना लिया जाए, बिकॉज़ विंटर में पनीर मटर और मतलब अच्छा लगता है खाना, और सबको ही काफ़ी पसंद है। तो वहाँ पे ना कुछ थोड़ा डिफरेंट होता है पनीर में, तो इस बार मैंने वहीं से मसाला भी लाया है गांव से अपने, और वैसा ही कुछ यूपी स्टाइल पनीर बनाने वाली हूँ। तो सोचा इसका वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आई होप आप लोगों को भी रेसिपी अच्छी लगेगी आगे, और अगर अच्छी लगेगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर ट्राई करेंगे तो वो भी कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर बस वही पनीर को पहले धो के अच्छे से कट करके रख लूँगी, उसको मैरिनेट भी करने वाली हूँ मैं। मैरिनेट करने के लिए मैं थोड़े से मसालों का प्रयोग करूँगी, जो हमारे रेगुलर बेसिक मसाले होते हैं वही सब डाल के, और नमक डाल के, और बहुत लोग इसमें दही भी डालते हैं। आप चाहे तो दही के साथ भी मैरिनेट कर सकते हैं, बट मैं दही नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को दही नहीं पसंद है। और यहाँ पे ना मखाने थे जिनको मैंने थोड़ा सा मतलब यू नो ड्राई रोस्ट कर लिया है, तो वो खाने में थोड़े अच्छे लगते हैं, क्रंची लगते हैं, तो इसीलिए तो वही मैंने करके थोड़ा सा उसको मतलब डब्बे में रख दिया, क्योंकि वो भगवान मतलब लड्डू गोपाल के लिए भोग लगाने के लिए भी चाहिए होता है। और आज के पनीर की सब्ज़ी में भी मैं ऐसे यूज़ करने वाली हूँ। और बस यहाँ पे मसाले की प्रिपरेशन चल रही है। मसाले में मैंने सिर्फ टमाटो प्यूरी ली है, टमाटो प्यूरी के अलावा कुछ नहीं लिया उसमें, एक दो हरी मिर्च भी उसके साथ ग्राइंड कर ली थी। यहाँ पर अनियन चॉप कर रही हूँ, अनियन खूब अच्छे से बारीक चॉप करना है, और अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैंने ऐसे कर लिया। और जो मैंने मैरिनेट होने के लिए पनीर रखा था ना, 15 मिनट काफ़ी रहता है, मगर मैंने उससे ज़्यादा ही उसको मैरिनेट किया था, और यहाँ पे उसको अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है। और उसी के बाद उसी कढ़ाई में, सेम कढ़ाई में मैं तेल डाल के, और मैं सरसों के तेल का उपयोग कर रही हूँ, बिकॉज़ हमारे यहाँ खाना उसी के तेल में बनता है मोस्टली, सिर्फ नवरात्रि में नहीं यूज़ करते हम लोग मस्टर्ड ऑयल, अदरवाइज़ हम लोग ऑल सीज़न मस्टर्ड ऑयल में ही खाना खाते हैं। और उसके बाद फिर उसी तेल जो मैंने डाला था, तेल में अनियन डाल दिया, अनियन को थोड़ा सा पकाने के बाद उसमें मैंने हरी मटर डाल दी, और हरी मटर को ढक के थोड़ा सा पकाने के बाद उसमें फिर टमाटो प्यूरी डाल दी, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया, जो कि स्किप कर दिया आपको दिखाना, लेकिन मैंने डाला था, और आप लोग भी ज़रूर डालिएगा अगर आप लोग मेरी रेसिपी फॉलो कर रहे हैं तो। और उसको खूब, इस बार ना मैंने मसाले को कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाया था, मसाला काफ़ी सूख गया था और काफ़ी अच्छे से तेल छोड़ गया था। उसे ना पकाने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया, वाटर, जितना आपको मतलब आपका डिज़ायर है, जितना आपको ज़रूरत है उतना पानी आप प्रयोग कर सकते हैं। मेरे यहाँ थोड़ा सा जूस वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद की जाती है, ग्रेवी वाली कम पसंद करते हैं, थिक सब्ज़ियाँ मतलब मेरे हस्बैंड को, मेरे पापा को नहीं पसंद है बेसिकली। और ये थोड़ा यूपी स्टाइल बन रहा था, तो इसमें पानी वाला तो थोड़ा बनना ही था, और फिर मैंने वही पानी डालने के बाद एक बॉईल आ गया, तो उसमें अपना पनीर ऐड कर दिया और थोड़े से मखाने ऐड कर दिए। हाँ, मखाना इज़ द की इंग्रेडिएंट हियर, बिकॉज हमारे यूपी में मैंने देखा ना, मतलब मैं दो शादियाँ पास्ट मतलब समर्स में भी गई थी, तभी भी मैंने ये चीज़ देखी थी, फिर अभी विंटर में भी देखी, वहाँ पे लोग ना पनीर में मखाने भी मिक्स करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, गजब का टेस्ट आता है। मैंने मुंबई में अभी तक ऐसा मखाने वाला पनीर नहीं खाया था, सिर्फ हमारी यूपी में ही खाया था, तो इसलिए मैंने ट्राई किया। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, ज़रूर एक ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद मसाले वगैरह भी ऐड किए थे, मसाले देखिए, पनीर मसाला अगर आपके पास है तो वो डालिए, नहीं तो गरम मसाला, धनिया पाउडर, और ये सब मतलब ज़्यादा कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डाले थे, बिकॉज़ मेरे घर पे ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं पसंद होता सबको। और फिर क्या, धनिया डाल दीजिए, और कसूरी मेथी है तो वो डाल सकते हैं, ये सब डाल के मैंने, और उसके बाद थोड़े फुलके सेक लिए, और हमारे यहाँ फुलके ज़्यादा पसंद किए जाते हैं रेदर देन पराठे और पूरी, नहीं तो मेरा तो मन था पूरियाँ खाने का, बट इन लोगों का बीच में एक कॉल आ गया था इसलिए वॉइस ओवर मेरा थोड़ा सा इंटरप्टेड हो गया। और यहाँ पे उसके बाद सारे काम हो गया, डिनर हो गया, तो बस ये रात में मुझे बर्तन करने होते हैं, गैस क्लीनिंग करनी होती है, बिकॉज़ मैं एक भी बर्तन सिंक में नहीं रखती हूँ, मैं सब कुछ क्लीन करके, गैस क्लीन करके तब भी मुझे नींद आती है, अदरवाइज़ मुझे नींद नहीं आती। और बोलते हैं कि लक्ष्मी का वास भी नहीं होता उस घर में जिस घर में गंदगी होती है, तो ये भी रीज़न है
ये सब क्लीन करके सोने का। तो यही था छोटा सा सिंपल सा रूटीन और डिनर रूटीन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय गाइज़।